हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12। सो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप लोग वीडियो देख लीजिए देन सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें असेसमेंट में कि देयर इज अ दिवाली सेलिब्रेशन इन द स्कूल सर्वोदय स्कूल नजाफ़रगढ़ न्यू दिल्ली। फ्यू बॉयज प्रिपेयर्ड रंगोली, मतलब रंगोली बनाई कुछ बॉयज ने इन ए ट्रायंगुलर शेप, जैसा कि आपको यहाँ पे शेप दिख रहा होगा ये वाले शेप में बनाई थी रंगोली। दे नेम्ड इट ट्रायंगल एबीसी। क्या है ट्रायंगल का नेम? एबीसी, ठीक है। और ये है आपका कुछ सर्कल से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कल्स क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी किस पे आई है, ठीक है। तो द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर, देखिए डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन जो इसकी मतलब क्या होती है लेंथ, ठीक है, मतलब तीनों साइड की। देखिए 26 सेंटीमीटर, 28 एंड 25। तो देखिए आपकी जैसे लाइन वाइज दी गई है, यानी कि ए की 26, बी की 28 एंड सी की आपकी 25। ओके, सो यस, तो अगर हम लोग इसी हिसाब से देखें तो, बट यहाँ पे अलग अलग है तो कोई बात नहीं। हम पहले देखते हैं फिगर नंबर 1, आपसे कुछ एमसीक्यू पूछे गए हैं, फटाफट से इसका आंसर देते हैं। सो फर्स्ट में बोला गया इन फिगर आर, ठीक है। सो आपका वो देखिए, मतलब इन फिगर यानी कि ये जो फिगर दे रखा है इसमें जो आर है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ठीक है, किसका, ए बी का। जैसे कि हम देख सकते हैं ये ए बी लाइन है और ये आर क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि जो ए आर है और आपका आर बी है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। यस, आर क्यू पैरेलल है बी सी के, ठीक है, जो आपका आर क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, सही बात है। और ए क्यू किसके इक्वल होगा, और ये जो आपका ए क्यू है ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये क्या है, बराबर है, ठीक है, ये सिंपल है आपका। तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, बी सी है, आर बी है, क्यू सी है और ए डी है, ठीक है। सो मैं आपको देखिए सिंपल मेथड बताता हूँ, अगर टिक दाए तो आप देखिए, अगर ये जो है अगर आर बी के बराबर, देखिए पहले ये इसको बी सी से कंपेयर कीजिए, आप मैच ही नहीं कर रहा ये तो, ठीक है। अब देखिए ए क्यू को लीजिए और आपका क्या है, आर बी है, तो यानी आर बी, ये दोनों क्या इक्वल हो सकते हैं, ये क्यू बी मिड पॉइंट है, तो यानी कि आपके हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, बट नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 25 का है और ये 26 का है, ठीक है। सो एक यूनिट यहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो हम नहीं ले सकते। तो क्या ये देखिए, क्यू क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो और ए क्यू और क्यू सी आपके इक्वल हुए, तो यानी कि जो ए क्यू है वो क्यू सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप वीडियो तो देख रहे हैं, आप वर्कशीट तो कर रहे हैं, बट आपको पूरा रीज़न पता होना चाहिए कि आप ये ऑप्शन टिक क्यों कर रहे हैं, तभी तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पूरा पूरा मेथड प्रोसेस कि आपको किस रीज़न से ये आंसर टिक करना चाहिए। ओके, यस, तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ आर क्यू इस, अब देखिए आर क्यू की आपके इसने लेंथ पूछी है। अब देखिए आर क्यू क्या था, बी सी के पैरेलल था, ये तो एक थ्योरम है आपकी क्वाड्रिलेटरल्स में ही कि अगर ये पैरेलल होते हैं और ये इसका मिड पॉइंट होता है तो ये क्या है, आपस में मतलब क्या है, ये जो बी पी है ये आर क्यू के बराबर है, और या कहें तो आर क्यू आपके पी सी के बराबर है, यानी कि जो पी है वो मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये जो आर क्यू है ये आपका बी पी के बराबर है या कहें तो पी सी के बराबर है, ठीक है। सो आपसे आर क्यू की लेंथ पूछी गई है, टोटल इसकी लेंथ क्या है, 28, यानी 28 में से जब हम इसको 2 से कर देंगे तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, आर पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आर पी क्यू जो है, ये आर पी और क्यू ये तीनों क्या है आपके मिड पॉइंट्स है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे ए बी बी सी सी है। द ऑप्टेन फिगर बी पी क्यू आर, यानी कि आपका बी पी क्यू आर, ठीक है, ये वाली जो फिगर है ये आपकी क्या बन रही है, तो ऑफकोर्स ये जो आपका है आप कहेंगे फोर साइडेड फिगर है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या ये आपका पैरेललोग्राम है, तो या फिर ये सी होगा या फिर ए होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये कि ये क्वाड्रिलेटरल है कि एक पैरेललोग्राम है, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से मेरे ख्याल से कमेंट आ जाने चाहिए कि आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम है या फिर आपका ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल से। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर आपको इसका एरिया बताना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। देखिए
ये क्या है, एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है और ये चौथा पार्ट है, ठीक है, यानी चार बार है। और आपसे एबीसी के हिसाब से पूछा तो 1/4 हुआ ना एबीसी का, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/4। देखिए चार पार्ट हैं, एक पार्ट हो जाएगा ये इसके एरिया में से, ठीक है, 1/4 आपका किसका, एबीसी का। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो आइए करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होगी, मैं आपके लिए इसे कर देता हूँ क्योंकि बार बार हमारा जो, ठीक है। सो ओके, देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है पैरेललोग्राम की, सो मैं आपको बताऊं तो जो डायगनल है ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, जैसे कि आप देख सकते होंगे ये क्या है आपके यहाँ पे, देखिए बाइसेक्ट और ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यस। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये ठीक है, अपोजिट साइड बोला, यानी ये और ये और ये हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे अपोजिट एंगल्स, ठीक है, और ईच डायगनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये हुआ तो ये एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ इसके, और अगर ऐसे हुआ तो ये इसके बराबर हो जाएगा आपका। ओके, यस, तो आइए बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन पे। बोला गया है प्रूफ दैट डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या है कि जो डायगनल है पैरेललोग्राम का, डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि इसकी एक प्रॉपर्टी है। सो मैं आपको यहाँ पे इसे दिखा देता हूँ, ठीक है, फुली डिटेल्ड आपका रिटर्न आंसर होगा और मैं भी आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो एक डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सो आइए देखते हैं कैसे, गिवन क्या है आपको कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी विद ए सी एंड इट्स डायगनल, यानी कि जब आप ये डायग्राम बना दोगे ना तो ये आपके आप गिवन में आ जाएगा, ठीक है, बस आपको यहाँ पे समझना है एंड देन आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या जो ए बी सी है और जो आपका ए डी सी है, ठीक है। ओके, यस, तो प्रूफ अब देखिए यहाँ पे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज, मतलब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, सो ए बी डी सी के पैरेलल है, जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, ठीक है, और ए डी बी सी के, यानी कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ओके, यस, तो अब सिंस देखते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, सो ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल, आप जैसे देख सकते होंगे कि ये ऐसे है और ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल आपके, यानी कि मैं आपको यहाँ बनाऊँ तो ऐसे, और ये जो एसी ऐसे करके ट्रांसवर्सल हो रही है, ठीक है, यस। तो आपके जो बीएसी है, यानी कि आपका जो बीएसी है ये वाला जो एंगल है, और आपका जो डीसीए है, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि ये कहें और ये वाला एंगल कहें, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके ऑल्टरनेट हो जाएगा। सो ये इसीलिए आपस में इक्वल हो जाएगा, इसी हिसाब से आपके ए बी पैरेलल टू बी सी लगाएंगे, और ए सी क्या, मतलब ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो आपका जो डी ए सी, यानी कि आपका जो डी ए और सी एंगल है, यानी कि आपका ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वो भी किससे, ऑल्टरनेट से, ठीक है। तो आइए इन दोनों को और आगे यूज़ करते हुए, सो ट्राइंगल जो ए बी सी और ए डी सी था, तो पहले इक्वेशन से हम लोगों ने इसे ले लिया कि बी ए सी आपका एंगल डी ए डी सी ए के बराबर है, ए सी आपकी ए सी के बराबर है क्योंकि ये आपकी क्या है, कॉमन है, और डी ए सी बी सी ए एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो ये एंगल साइड एंगल से आपके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है, और ये हैंस प्रूफ, ये वर्ड जरूर लिखना है जब प्रूफ वाले क्वेश्चन हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री की चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। सो आइए अब बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे, इन द इन ए पैरेललोग्राम शो डैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। देखिए क्या है कि हमें क्या करना है, शो करना है एक पैरेललोग्राम में कि जब एंगल बाइसेक्ट करते हैं ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल में तो इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल्स पे। तो आइए मैं आपको शो कर देता हूँ इसे भी, तो ये देखिए, ठीक है। सो आपका आंसर मैं इसका शो करता हूँ, वेट, ओके,
सो वेट कीजिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने फोर्थ वाला क्वेश्चन तो स्किप ही कर दिया कि फोर्थ वाले में पूछा गया है, फिफ्थ वाला भी अभी हम लोग करेंगे बट हमने फोर्थ मिस कर दिया था, तो फोर्थ अब देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इन वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्विस, क्या है, इज ए ट्वाइस ऑफ ए एडजेसेंट एंगल, ठीक है। सो फाइंड एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सो आइए इसको कर लेते हैं। हम लोगों ने फोर्थ वाला तो स्किप ही कर दे रहे थे, ठीक है, सॉरी थर्ड वाला, ओके। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर्थ वाला था शायद, यस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यस देख लेते हैं जी, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे क्या, 60 120 60 120, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, ओके। सो आइए देखते हैं अब ये हुआ कैसे। सो लेट वन एंगल इज एक्स एंड एडजेसेंट एंगल इज भी वाई, ठीक है। सो गिवन क्या है कि एक्स जो है वो टू वाई के इक्वल है, आपकी फर्स्ट हो गए, और एक्स प्लस वाई होता है आपका 180, ठीक है, क्योंकि समय किसका, एडजेसेंट एंगल का, ओके। तो और ये 180 के बराबर हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं आप फर्स्ट और सेकंड को, सो वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 60, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स किसके बराबर था, 2y के, यानी कि 60 × 2, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 120, यानी कि आपका जो 60 हो गया और 120 हो गया। तो आपका जो ऐसे करके यहाँ पे जो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका 60 120 60 और 120 ऐसा करके बन जाएगा, यानी मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, तो आपका 60 120, ठीक है, आपका 120 एंड आपका 60, कुछ ऐसा आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाएगा। आइए अब करते हैं हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, और शो करते हैं ऐसे, ठीक है, यस। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कुछ यहाँ है कि लेट जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं एक पैरेललोग्राम, मैं आपको वैसे दर्शन करवा देता हूँ उसके, जो कि आपका होने वाला है, ठीक है। सो यस, जैसे मैं हमने बना रखा था आपके लिए, ऐसे 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 अंडे से, मान लीजिए एक ए बी सी डी का है पैरेललोग्राम। सो आपको पता होगा ए बी प्लस बी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो ओ ए क्या है, वो बाइसेक्ट कर रहा है आपका, ठीक है, किस पे, डी ए बी पे, ठीक है, जो आपका एंगल है डी ए बी उस पे, और जो ओ बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी बी ए पे, ठीक है। आप लोग जब पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लोगे ए बी सी डी का, तब आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी से इसे समझते रहिए, जैसे कि मैंने आपके लिए ये बनाया था ना पैरेललोग्राम। सो लिख दीजिए यहाँ ए बी एंड सी और डी, सो आपका ऐसे पैरेललोग्राम बन जाएगा, एंड देन आप इससे मैच करते रहिए, ठीक है, यस। सो टू प्रूव क्या करना है अभी, कि जो ए ओ बी है एंगल वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो नाउ ए ओ बी, सो हम लेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, जो कि हो जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर, ये। सो हाफ ऑफ डी ए बी एंगल प्लस हाफ ऑफ सी बी ए एंगल प्लस हाफ ऑफ ए ओ बी एंगल, सो वो भी आपका 180 के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हाफ ऑफ क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ए ओ बी है उसके उसके साथ हाफ नहीं है, ठीक है। सो हाफ लिया कॉमन, और एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी ए सी बी ए, ठीक है, सो प्लस एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, एंड हाफ इंटू 180 डिग्री प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यस। तो अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसे साइड में करते हुए, तो आपका ये 90 आ जाएगा, ठीक है, ये कट के आपका 90 आ जाएगा, प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180, और ए ओ बी जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं रिटर्न में आंसर है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं आप, डी ई एफ आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो प्रूफ करना है कि डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। सो आइए इसे हम क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसा ये आपका कोई डायग्राम है, और आपको प्रूफ करना है कि डी ई एफ जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आइए हम लोग इसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इससे जहाँ से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखिए, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल एंड डी ई एफ आर बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, वी हैव टू शो ट्राइंगल फॉर्म डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वी नो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द 30
ठीक है, मतलब क्या हाफ हो जाता है किसका, थर्ड साइड का। सो देयरफॉर अब मैं आपको इक्वेशन शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है इक्वेशन। सो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी कि देयरफॉर डी ई जो है वो हाफ ऑफ ए बी के बराबर है और ई एफ जो है वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर है, और जो एफ डी है वो किसके बराबर है, वो है आपके किसके, हाफ ऑफ ए सी के। जब आप अपना कॉपी में वो डायग्राम बना के मैच करेंगे देन आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, और आपका डायग्राम भी कुछ हार्ड नहीं है, बस ऐसी सिंपल से डायग्राम है। ओके, सो नाउ ए बी सी इसे क्वाडिलेटर मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी कि जो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ सी ए इक्वल हो गए, तो यानी कि जो आपका डी ई है वो इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ डी हो जाएगा। और सिंपल वर्ड में कहें तो आपका जो एंगल ट्राइंगल डी ई एफ है, यानी कि आपका डी ई यानी कि आपका डी ई एफ ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो आपको ये अच्छे से मतलब लिख लेना है। आइए अब बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोला गया है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगनल ए बी मतलब ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी शो डैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। यार भाई रुको, एक छोटी सी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्या कर लो कर लो कर लो फटाफट। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है, शो करना है, ठीक है। सो देखिए पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और अगर जो एंगल वन है वो एंगल टू के बराबर है, ठीक है, ये आपस में बराबर हो गए, ठीक है, और ये भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। सो ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, जो ए बी है वो मतलब जो ए सी है ना, ये ए सी ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल भाग में कर रही है, ठीक है। सो एंगल सी को, ठीक है, ये एंगल सी को जो ए सी है, ठीक है, यस। सो अब देखिए इसी वजह से तो थ्री और फोर है वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे। सो नाउ प्रूव करते हैं, जो एंगल ए मतलब वन टू है वो बराबर है, टू थ्री आपस में बराबर है, एंड वन फोर आपस में बराबर है, क्योंकि ऑल्टरनेट से हो गया ट्रांसवर्सल जा रही है इसलिए, ठीक है। सो ये तो हमें गिवन ही दे रखा है कि वन टू के बराबर और टू थ्री और वन फोर किसके बराबर हो जाएंगे आपस में ऐसे, क्योंकि वो अल्टरनेट है और वो ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, एंगल वन टू के बराबर, एंगल टू थ्री के बराबर, एंगल थ्री फोर के बराबर, यानी ये सब आपस में ही इक्वल हैं, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे इसे प्रूफ करते हैं कि ये एक रोम्बस है। अब तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई थी तो वो दोनों हम लोग आपको करवा रहे हैं, ओके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना, ओके, ठीक है। सो आइए बढ़ते हैं, और स्माइली सा फेस में इस वीडियो को मज़े मज़े कमेंट करना जो मैंने आपको होमवर्क में दिया गया है, ठीक है, यस। सो आइए करते हैं। सो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे इसके रोम्बस में क्या होते हैं, सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। सो वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इन फर्स्ट वी प्रूव्ड ये सारी क्या है, आपस में इक्वल हैं, क्या एंगल्स, ऑफकोर्स एंगल्स, ठीक है। सो जो टू है वो फोर के इक्वल है, ठीक है, क्या है, जो टू है वो फोर के इक्वल है। सो नाउ जो ए बी सी है आपका, यानी ए बी सी ये जो ट्राइंगल है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो बे ई ए सी है, यानी कि ये जो आपका एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर हो रहा है, ठीक है, यस। मतलब पूरा एंगल नहीं, आपका ये वाला एंगल हो गया और आपका यहाँ से कहें तो ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, यस, क्योंकि टू और जो फोर है वो आपस में इक्वल है। सो हैंस बी सी इक्वल टू ए बी और साइड अपोजिट टू इक्वल, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, ठीक है। सो ओके, और अब देखिए जब आपका यहाँ तक ये हो चुका है पूरा, तो साइड अपोजिट टू द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया आपका बी सी का, ठीक है। सो आपने जैसे कि ये प्रूफ कर लिया टू और फोर को, सो आप वन और थ्री को भी इसी भाषा में यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि साइड अपोजिट टू द इक्वल, और इस जब आपके यहाँ पे जो साइड्स है वो इक्वल हो गई, यानी कि आपकी जो बी सी है वो आपके ए बी के बराबर हो गई, और देन आपका जो डी ए है वो आपका डी सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपकी जो चारों साइड्स है वो इक्वल हो जाएगी, देन ये सिंपली भाषा में आपका जो क्या है, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखिए अब वन और थ्री एंगल को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे आप इनकी जगह पुट कीजिए, नाउ फिर आप ए बी सी की जगह आपका ए डी सी आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिएगा, ठीक है। और जो आपके एंगल हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए एंगल आपके
कौन कौन से अब आपके यहाँ पे एंगल बन रहे, तो सी ए डी बन जाएगा आपका एंगल और आपका डी सी ए एंगल बन जाएगा, और एंगल वन और जो एंगल मतलब आपका थ्री है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। सो आपका जो डी ए है वो आपके डी सी के बराबर प्रूव हो जाएगा और यहाँ पे आपके सारे एंगल्स और साइड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। एंड देन आप कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है और फुल्ली फुल्ली आपकी असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। सो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और होमवर्क का आंसर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओके बाय बाय, टेक केयर।